हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे ब्रेड ऑमलेट एक बहुत ही मज़ेदार ट्विस्ट के साथ। मुझे पता है आप सभी सोचेंगे कि ब्रेड ऑमलेट बनाना किसे नहीं आता, पर अगर आप ब्रेड ऑमलेट को इस तरीके से बनाएंगे तो आपको इसका स्वाद बहुत ही अच्छा और डिफरेंट लगेगा। आपका इसे खाकर पेट तो भरेगा लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं भरेगा। तो चलिए फिर फटाफट से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑमलेट बना लेते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक बोल में दो अंडे ले लिए हैं। फिर मैं इसमें मिला रही हूँ नमक, बारीक कटा टमाटर, बारीक कटा प्याज। आप इसमें बारीक काट कर हरी मिर्च भी मिला सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, फिर एक गरम किए हुए पैन में डाल दें। ऑमलेट बनाने के लिए मैंने आधा चम्मच बटर का उपयोग किया है। मैंने इस रेसिपी में बिल्कुल भी रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल नहीं किया है। 4 से 5 सेकेंड्स के बाद हम इस पर ब्रेड रखेंगे। मैंने यहाँ होल व्हीट ब्रेड का यूज़ किया है, आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। ब्रेड रखते समय उसे एक तरफ से ऑमलेट में लगाकर फिर पलट कर रखें। उससे ऑमलेट का बैटर ब्रेड के दोनों साइड्स में एब्जॉर्ब हो जाता है अच्छी तरीके से। इसे एक तरफ से सिक जाने के बाद पलट दें और दूसरे साइड से कुछ देर के लिए और सेक लें। गैस का फ्लेम लो ही रखें। दोनों तरफ से सिक जाने के बाद इसे प्लेट में निकालकर अलग रख दें। अब आती है ट्विस्ट की बारी। फिर उसी तवे में मैंने एक चम्मच बटर लिया है, उसमें मैं एक चम्मच अदरक लहसुन जिसको मैंने कीस कर रखा था वो ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। इसे हम कुछ देर के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक अदरक लहसुन का रॉ स्मेल ना चले जाए। अदरक लहसुन भुन जाने के बाद अब इसमें प्याज मिला रही हूँ जिसे मैंने लंबे हिस्सों में काट लिया है। मैंने यहाँ एक छोटे साइज का प्याज लिया है। प्याज भुन जाने के बाद अब मैं इसमें दो हरी मिर्च मिलाई हूँ जिसे मैंने बीच में से काटा है। फिर मैंने इसमें एक छोटे आकार का टमाटर ऐड किया जिसे मैंने लंबे हिस्सों में काट लिया है। अब मिलाएं आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच गरम मसाला। इन सबको कुछ देर के लिए भुनें। इनको भुनने के बाद जो ब्रेड ऑमलेट हमने तैयार किया था उसमें स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके ऊपर चीज ग्रेट करके डालें। तो लीजिए, तैयार है ब्रेड ऑमलेट। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव शेयर कीजिए मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ऐसी और भी मजेदार रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।